नमस्कार, डीबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबीडी न्यूज जो रखे आपको चार पांच जन से आगे, हमेशा हमेशा के लिए आगे रखे। मैं आपका गोस्ट और इस प्रोग्राम का होस्ट। डेली लाइफ में हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें फेसबुक व्हाट्सएप खोलने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ? लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीबीडी चैनल आपके लिए लाया है फेसबुक व्हाट्सएप के लेटेस्ट पोस्ट सिर्फ डीबीडी न्यूज़ में। घबराने की कोई बात ही नहीं है दोस्त, अब हम हैं ना आपके साथ। शुरू में देख लेते हैं आज की ताजी खबरें। अरे ओए, ताजी खबरें से पहले पब्लिक से मुझे इंट्रोड्यूस तो करवा। हाँ? ओ हाँ, सॉरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं किजू पाजी। हेलो दोस्तों, बुजी को राख कहते हैं, चली को आग कहते हैं, और इस चैनल को डीबीडी कहते हैं, और मुझे पीजू पाजी कहते हैं। हो गया आपका डायलॉग जिसके बगैर आप मरे जा रहे हो? हाँ हो गया। तो क्या चालू करें आज की ताजी खबरें? हाँ तुम चालू कर दो अभी। अब क्या हर एक प्रोग्राम में जाके एक ही डायलॉग मारते हो क्या? क्या करें, आदत हो गया है। ठीक है छोड़िए, चालू करते हैं। कुछ चीज है जो भारत में कभी चेंज नहीं हो रहा है। हाँ सही कहा, और वो है गरीबों का हालत। पहले भी हम जो देखे थे, गरीब कोई प्रॉब्लम होता था तो गरीबी मरते थे, आज भी गरीबी मर रहा है। 1947 में कोई उठा के देख लो पाजी, तब भी गरीब असहाय थे, आज भी असहाय है। हाँ सही कहा किजू पाजी। अरे किजू पाजी ऐसे बोला मत करो यार, प्रोग्राम का होस्ट मैं कर रहा हूँ, न्यूज भी मैं ही पढ़ूंगा। हाँ? ओ सॉरी बाजी, थोड़ा जज्बात में रह गया था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आते हैं दूसरी खबर पे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एक बच्चा कंप्यूटर लेके पढ़ रहा है, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि एक बच्चा खाना लेके जा रहा है। एक ही देश है, एक ही समाज है, फिर भी हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग बच्चे दो अलग अलग तरह से जी रहे हैं। एक लॉकडाउन के वजह से ना खा पी के रह रहा है, दूसरा खा पी के शिक्षा ले रहा है। एक ही समाज में ऐसा क्यों हो रहा है, ये आज तक कोई बोल नहीं पाया है। सही कहा आपने, एक ही देश है, एक ही सब कुछ है, फिर भी हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग बच्चे के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। एक ही देश है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? पाजी वो सवाल मेरा था, आपको जवाब देना था, आप घुमा फिरा के मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से। अच्छा छोड़िए, दूसरे न्यूज पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लड़के ट्रेन को प्रणाम कर रहे हैं। हालांकि ये इंडिया का सबसे रेयर फोटो है, क्योंकि ना इंडिया में हम लोग देखते हैं ज़्यादातर लोग पत्थर लेके या फिर आग लेके ट्रेन को जला देते हैं, या फिर पत्थर मार के ट्रेन का खिड़की तोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से ये लोग ट्रेन को प्रणाम कर रहे हैं? हुआ है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़ के पहाड़ी राज्यों में फंस गए थे। सरकार ने उनको अपने गांव में वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चालू किया था, जिसके बदौलत वो अपने गांव पहुंच सके, और ट्रेन से उतरते ही वो लोग ट्रेन को झुक के प्रणाम करने लग गए। ये सही है गुरु, जब काम के हो तब सम्मान के हो। हाँ सही कहा सिद्धू बाजी आपने। आते हैं दूसरे खबर पर। 12 मई को था नर्स डे,
हर एक नर्स को नर्स डे की बधाई। आप लोग ही हैं देश की चालक, ये पूरे इंडिया को मानना पड़ा। हर एक नर्स को DBD चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, DBD चैनल की तरफ से हर एक विश्व के हर एक नर्स को सलूट। हाँ सही था गुरु, इसी मामले में एक छोटी सी शायरी। बुझी को राग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और सफेद कपड़े में किसी को देख लो तो नर्स कहते हैं। हाँ? अरे यार, एक ही शायरी को घुमा फिरा के कैसे बोल लेते हो तुम। चलिए आते हैं आज की अंतिम खबर पर। दिल टूटे एक आशिक ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है कि सोचा था कि कबीर सिंह के प्रीति जैसा कोई मुझे मिलेगी, लेकिन चारों ओर देख रहा हूँ तो सिर्फ सावंती जैसे ही देखने को मिल रहा है। हाँ? ओ गुरु, तुझे सावंती जैसा चारों ओर दिख रही है तो जाके प्रपोज कर, शादी कर, फालतू में अपना कंपटीशन क्यों बढ़ा रहा है। आज सिर्फ इतना ही? नहीं नहीं रुको, मुझे एक शायरी सुनाना है। हाँ? नहीं किजुपा जी, अगले बार, अगले बार, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। अरे 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 अरे, रोइए मत, रोइए मत, मेरा 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 बड़ा डायलॉग आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, रोइए मत, रोइए मत। ठीक है, मैं ही बोल दे रहा हूँ। दोस्तों, DBD चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। किजुपा जी सही था लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है चलो मैं ही बोल देता हूँ। दोस्तों, DBD चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल DBD अपना दिन जरिए भालो लेके थाके, ताहले लाइक करून, शेयर करून, और हैं सब्सक्राइब करते भूल बैना। ठीक है चे, परे सप्ताहे देखा होच्छे, किंबा कालके ही देखा होच्छे, ওটা এখনো ডিসাইড হয়নি, ডিসাইড হলে আপনাদের জানাবো। थोड़ा हनी सिंह लग रहा है आपको कि युवा जी।